मोर्चे विच मुड़ तो सरगर्म होए किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने वध तो वध किसान साथियों नूं शंभू बॉर्डर सद्या जिस नाल माहौल होर तनावपूर्ण होने के आसार बन गए ने। चड़ूनी ने कहा जिन्ना छेती पहुंच सकते हो शंभू सरहद ते पहुंचो। 100-150-200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है तो वहां पे काफी झगड़ा काफी तनाव की स्थिति है इस टाइम, तो आप सभी से बेनती है अम्बाला उसके आसपास और जो साथ लगता राजपुरा गनौर का एरिया है पंजाब का, तो ये सारे जल्दी से जल्दी शंभू बैरियर पे पहुंचना है। शंभू बैरियर पे इकट्ठे हो रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे पहुंचे, जितने भी आसपास के चाहे वो यमुनानगर के हैं या पंचकुला के हैं या जो भी उधर के लोग हैं वो सारे जल्दी से जल्दी शंभू बैरियर पे पहुंचे और वहां पे जो है जाके प्रदर्शन करें। और हमारे जो सीनियर लोग हैं वो भी वहां पे पहुंच रहे हैं, हमने उनको फोन कर दिए हैं। तो एक बार मेरी फिर बेनती है कि आसपास के जितने लोग हैं वो जल्दी से जल्दी अम्बाला यमुनानगर और पंचकुला गनौर राजपुरा ये सभी लोग जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंचे। ये एमरजेंसी कॉल चड़ूनी नू इस करके देनी पई है क्योंकि हरियाणा पुलिस ने आज रोड जाम करन वाले अम्बाला दे करीब 200 किसानां नू हिरासत विच लै लिया। हिरासत विच लए किसानां ने पुलिस दी बस विचो ही वीडियो राही जानकारी दित्ती है कि सानू CIA स्टाफ सैक्टर 10 दे थाने विच ले जा रहा है। CIA स्टाफ सैक्टर 10 अम्बाला सिटी लेकर जा रहे हैं। बोलो जी किसान एकता, किसान एकता। अम्बाले के सभी साथियों से बेनती है, सारे किसान साथी अरेस्ट कर लिए जो कि कल अनिल विज का विरोध करेगा उसके चक्कर में दो जने अरेस्ट करे थे, उन्होंने छुड़वाने वास्ते सवेरी रोड जाम करा था। तो सारे किसान साथी 200 किसान साथियों ने अरेस्ट कर लिया है, अम्बाले की पूरी टीम अरेस्टेड है। मसला पंचकुला का है जदों कल हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का उत्थे किसानों ने तिखा विरोध किया। दुष्यंत चौटाला किसानों नूं झकानी दे के इत्थे पहुंचे सी, किसानों ने नारेबाजी की, पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इस दरमियान धक्का मुक्की भी हुई तो पुलिस ने कुछ किसानों नूं हिरासत विच लै लिया सी। उन्हां किसानों नूं रिहा करवाउण दी मंग दे विच अज किसानों ने अंबाला दिल्ली हाईवे जाम किया सी। इस दरमियान पुलिस ने किसानों नाल धक्का मुक्की की, डांगा सोटियां भी वराइयां ते तकरीबन सारे किसानों नूं हिरासत विच लै लिया ते बसां च भर के थाने लै गई। ताज़ा जानकारी मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चे दे लीडर पुलिस दी इस कार्रवाई तो काफ़ी भख गए ने। किसान लीडर मनजीत सिंह राय ने पुलिस नूं सीधी चेतावनी दित्ती है कि जे हिरासत विच लए किसानों नूं रिहा ना किया गया तो पूरा हरियाणा जाम किया जाएगा। जबकि BJP का पूर्ण बाइकाट है, BJP जान बुझ के कुछ शरारत कर रही है, इदा दाजिशा रच रही है, वह दोवों नूं जो छुड़ाउण होर किसान गए ने तो फिर यह उन्होंने भी अरैसट कर लिया जाता है। ये एक तरह का कह देवे गुंडा तंत्र है, लोकतंत्र जो अपनी आवाज़ बुलंद करता है कोई उन्हों आवाज़ बुलंद नहीं कर दिती जाती। ये हरियाणा सरकार इस वेले केंद्र के इशारे से वो साडे किसानों नूं धक्का कर रही है, तो असी इस सरकार नूं हरियाणा सरकार नूं चेतावनी दिने है कि जेकर वो साडे साथी तुसी जिहड़े अरैसट किए नहीं छड़े तो पूरा हरियाणा ब्लॉक कर देंगे। बिल्कुल असी पंजाब वाले मोंडे नाल मोंडा ला के खड़े हरियाणे वाले वीरां दे नाल और पूरा संयुक्त किसान मोर्चा वो जिहड़े साथी अरैसट किए उन्होंने खड़ा है। हरियाणा सरकार नूं ताड़ना करदे आ कि उन्होंने तुरंत रिलीज़ किया जाए, नहीं तो इहदा खमियाजा भुगतण नूं तैयार रहो। ये हरियाणा सरकार नूं वार्निंग दिंदे आ कि उन्होंने तुरंत रिलीज़ किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट द खालस TV।